सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द क्राइम ऑफ चीटिंग विच इज़ वन ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ओके इट इज़ आपको डिसीव किया जा रहा है डिसऑनेस्टली ताकि आप किसी के ऊपर कुछ फैक्ट्स को भरोसा करके अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे कर देते हो दैट इज़ कॉल्ड एस चीटिंग वेयर दैट पर्सन विल से दिस प्रॉपर्टी इज़ माइंड उसकी होती नहीं है वो प्रॉपर्टी आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर दिखाएगा सब कुछ सारे आपको दिखाएगा सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आपको सच लगेगा आप साइन कर दोगे और आप प्रॉपर्टी उसका ले लोगे उसके बाद पता चलेगा ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है या जब कोई बारिश होती है तो ये पूरी ज़मीन पानी के नीचे दब जाती है और आपने साइन करके उसको करोड़ों के दामों में ले लिया जो उसकी कौड़ी के भी दाम नहीं हुई ज़मीन के तो इसको चीटिंग कहते हैं जिसका डेफिनेशन सेक्शन 415 में दिया गया है ऑफ आई पी सी सो इसमें क्या बोला गया है हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन डिसीव करना मतलब किसी को उल्लू बनाना सिंपल भाषा में फ्रॉडिलेंटली और डिसऑनेस्टली क्या आपके साथ फ्रॉड कमिट कर रहा है मतलब कोई जैसे मैंने आपको बोला कि आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है आपका विश्वास जीतने की वो कोशिश कर रहा है और वो जीत चुका है इंड्यूसेज द पर्सन सो रिसीव टू डिलीवर द एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन कि भाई आप ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दो ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पे करे वो क्या करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी आप इनको दे दो आपको वो जो सोना है या लैंड है या प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगी सो आप इसको पैसे दे दो आपको मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा ऐसा भी रैकेट होता है वो दो तीन लोगों का चार पांच लोगों का जिसमें आपको पूरा एक सिस्टम दिखाया जाता है कि हाँ आप पैसा भरो आपका छः महीने में हम डबल कर देंगे ये तो इम्पॉसिबल है कि यह आप बेसिकली मैं इवन मुँह पे बोलता हूँ ड्रीम इलेवन माय इलेवन सर्कल एक दिन में करोड़पति बनो ये क्या है आपको उल्लू बना रहे हैं लोग मुझे तो अभी तक कोई ड्रीम इलेवन जीतने के बाद कोई बी में घूमता हुआ नहीं दिखा भाई सिर्फ क्रिकेटर्स और जो भी उसकी ऐड कर रहे हैं वो घूम रहे हैं बड़े बड़े गाड़ियों में हम लोग आम आदमी तो नहीं कर रहा ऐसा कुछ कि भाई ऐसे भी ऐसे ऑनलाइन आपको आएंगे कि भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए डेली बेसिस पे आपको बीस हज़ार रुपये मिलेंगे गारंटीड और उसके बाद भी बहुत लोग चीट करते हैं कि जैसे अभी ये क्लब्स हैं अलग अलग नए नए क्लब्स आते हैं कि आप साल का डेढ़ लाख रुपये भर दो, दो लाख रुपये भर दो आपको जहाँ घूमना है आप घूम सकते हो तो आप साइन कर देते हो आप डेढ़ लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हो या कि अभी मुझे किधर भी जाना है फुकट है एक बार मैंने डेढ़ लाख रुपए दे दिए तो उसके बाद जहाँ चाहूँ मैं घूम सकता हूँ वो बोलते हैं सर साल में दो या तीन ट्रिप आप कर सकते हो मैक्सिमम तो यंग कपल्स होते हैं जिनको शादी के बाद घूमना होता है या ऐसे ही एड़े लोग होते हैं जिनके बहुत पैसा है काला पैसा वो जाके भर देते हैं पैसे उसके बाद पता चलता है कि वो जब आप बुकिंग करने जाते हो सर उसके चार्जेस अलग लगेंगे इसके चार्जेस अलग लगेंगे और आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते ही नहीं हो नीचे लिखा होता है ऑल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वो हम कब पढ़ते हैं सो एक तरीके से आपको लगता है आपके साथ चीट हुआ लेकिन आपने साइन कर दी पढ़ाई नहीं आपने और वो आपको ऐसा बोलेंगे अरे सर मॉरिशियस इंडोनेशिया बैंकॉक आप बोलो सर उधर हम सब सोए करके देंगे आपकी आप बोलो उधर सब करके देंगे जो चाहिए वो मिलेगा नॉन वेज वेज नॉन वेज फाइव स्टार होटल ये वो अरे डेढ़ लाख में पप्पा ने दिया था लेकिन हाँ भाई ऐसा ही होता है चिटिंग वो आपको इंड्यूस कर रहे हैं आपको वो ऐसा वो चांद सितारे दिखा रहे हैं अरे आप यू का क्लास लगा लो लाल दिए में घूमोगे ऐसा ऐसा हो जाता है अच्छा फिर खुद क्यों नहीं बना मेहनत का काम है अरे मैं जुडिशरी करो जज बन जाओगे ऐसे ऐसे राज करोगे अच्छा ऐसे करते जुडिशरी कोई बताएगा नहीं दिन में दस घंटा पढ़ना पड़ता है इंस्टाग्राम फेसबुक बंद करना पड़ता है इंटरनेट नहीं चलाना पड़ता है पढ़ाई वो कोई नहीं बोलेगा चांद सितारे दिखाएंगे आपका आपसे फीस ले लेंगे उसके बाद गायब क्या पढ़ा रहे क्या चल रहा है कुछ हाँ सिलेबस खत्म ख़त्म हो गया सिलेबस तो दिस आर डिफरेंट वेज थ्रू विच दे डिसीव यू आपको उल्लू बना रहे हैं फिर आप वो इतना कन्विंसिंग पावर रहता है उनके पास इंश्योरेंस वाले ये वाला हाँ सर सब कवर हो जाएगा नहीं सर वो रह जाता है फाइबर का रहता है ना फाइबर में नहीं मिलता सर वो म, इंजिन का नहीं था सर उसमें ये नहीं था अरे फिर तो था क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं सर वो हॉस्पिटल नहीं नहीं सर कोरोना उसमें कवर नहीं होता सर फ्रॉड है साले सब सब के सब और आप साइन कर देते हो और हाफ ना भर रहे हो साल का जब कुछ हो गया एडमिट तो मेरे को कवर कर लेंगे और मिलता नहीं है फिर चल रहे कोर्ट में केसेस तो ये क्या है इस दिस इज अ दिस इज बेसिकली अ चीटिंग आपको इन, आपको ये समझ है आपकी कि ऐसा होने वाला पर ऐसा होने वाला है नहीं ओके तो आप अपनी प्रॉपर्टी तक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है पैसा हो सकता है सोना हो सकता है आपकी जमीन हो सकती है आपका फ्लैट हो सकता है सब कुछ भी और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी और इंटेंशनली इंड्यूसिसज द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनी थिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ़ यू वर नॉट सो डिसीवड एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और इज लाइक टू कॉज डैमेज और टू हार्म दैट पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज चीटिंग कि इससे आपका आपको इंजरी हो सकती है रेपूटेशन आपका रेपूटेशन ख़राब हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी को धक्का लग सकता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो सकती है कई बार ये रीडेवलपमेंट जो होती है रीडेवलपमेंट जो बोलते हैं कि सर आपको सो क्या और एक रूम बढ़ा के देंगे ये करके देंगे वो करके देंगे कभी भी वो अपना पूरा प्लान नहीं बताते हाँ सर सिर्फ अगली वाली साइड होगी ना वो कमर्शियल होगी अगले वाले जो दुकान चार दुकान होंगे वो सिर्फ कमर्शियल होंगे वो हमको क्या पता था कि पूरी अलग विंग ही कमर्शियल बिल्डिंग है और हमको तो पीछे झोपड़पट्टी की तरह एक एक फ्लोर पे दस दस माले दस दस फ्लैट बना के दे दिए कोई प्राइवेसी नहीं कुछ नहीं हवा नहीं आ रही धूप नहीं आ रही कुछ नहीं आ रही एक दूसरे को बाथरूम दिख रहे रीडेवलपमेंट और सारे अम्यूनिटीज़ मिलेंगे पहले मेंटेनेंस भरते थे दो महीना आप भर रहे हैं बीस हज़ार महीना रीडेवलपमेंट एम्यूनिटीज़ प्रॉपर्टी टैक्स जो पहले भर रहे सात हज़ार रुपये पंद्रह हज़ार नया बिल्डिंग नए स्कीम्स सोलर पैनल लगाए हमने दो लिफ्ट एक लिफ्ट चलती नहीं पार्किंग है पर कौन सी मेरी कौन सी तेरी झगड़े चल रहे समझ रहे हो चीटिंग। हाँ स्विमिंग पूल है जिम है मैं तो अरे वो हमारे सोसाइटी की जिम में तो मैं अंदर ही नहीं जा सकता इतना छोटा सा दरवाज़ा है मैं वर्कआउट कैसे करूँगा वहाँ पे? जिम है एम्यूनिटीज़ है स्विमिंग हमेशा स्विमिंग पूल बंद सिर्फ सर समर सीजन में चलता ये कौन सा रूल है भाई अच्छा हाँ आपके पास दो गाड़ियाँ हैं नहीं फिर अलग गाड़ी के लिए पार्किंग के लिए आपको अभी यहाँ पे आपको रेंट भरना पड़ेगा हाँ ऐसा है क्या ओह ये कोई नहीं बताता आपको जब आप वो प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हो मेरा अभी मेरा एक रिलेटिव है उसने नया फ्लैट खरीदा हाँ हाँ हम हाँ, हाँ, इधर गए उधर गए क्या पता नहीं किधर लिया उसने ऐसा है वैसा है मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा मेंटेनेंस कितना है हाँ मेंटेनेंस कितना है मालूम नहीं उसको मैंने बोला मेंटेनेंस पूछ किया पंद्रह हज़ार रुपये मैंने कहा मैंने तो बोला ये तो रेंट भर रहा है दिस गाइज़ पेइंग रेंट अरे पंद्रह हज़ार रुपये मेरा मेंटेनेंस खरीदते समय पूछा नहीं प्रॉपर्टी टैक्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड आलिशान फ्लैट लिया उसने थ्री बी एच के दो दो लिफ्ट है चलती कौन सी है और जाते हैं ना जिम में जाते हैं ना आप लोग जिम में जाते ये चार ट्रेडमिल है चलती कितनी है तो मेरे को एक्सपीरियंस है ना अठारह साल से कर रहा हूँ तो इसमें से चलती कितनी है वो पता अच्छा एक ही चलती है साल का कितना कितना छः हज़ार में दे रहा है तो दे वरना मैं जा रहा हाँ सर करते कुछ तो एक्सपीरियंस नहीं होगा उस क्षेत्र का नॉलेज नहीं होगा तो लोग आपको उल्लू बनाने के लिए बैठे लोग उल्लू नहीं होते उनको बनाया जाता है उल्लू दिस इज चिटिंग रेडेवलपमेंट में अभी हमारे सोसाइटी का हुआ एमओयू के बारे में डिस्कशन चल रहा है और हमारे सेक्रेटरी और चेयरमैन ने साइन कर भी दी रे डेवलपमेंट की साइन कर दी सो अभी हैव हो गए अरे एम का डिस्कशन होता है ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना ज़मीन बढ़ा के देंगे कितना एफ होगा कौन से कौन से आजू बाजू के भी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होने वाले हैं क्या कमर्शियल कितना है लोगों के साथ डिस्कशन करना जरूरी है फिर वो क्या बोलते हो फंड कितना मिलेगा कितना पैसे वो रखेगा ताकि हमें मेंटेनेंस भरने की ज़रूरत ना पड़े कुछ क्लैरिटी नहीं और उसमें क्लॉज था यू विल बी शॉक्ड यू विल बी शॉक्ड बाय दैट क्लॉज एंड एवरीबॉडी हैड एट साइंड इट वो हम लोग ने हाथ उठाया बोले एक मिनट क्योंकि हम लोग लॉ वाले हमने बोला इसमें लिखा हुआ है बिल्डर ने बोला कि अभी ये फ्लैट खाली करना है तो आपको खाली करना पड़ेगा फ्लैट क्योंकि अभी रिडेवलपमेंट करनी है एक दिन भी लेट हुआ पर डे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फाइन कितना पचास हजार फाइन मैंने बोला गलती से दो तीन जीरो ज्यादा बढ़ गए क्या पचास रुपये पांच सौ रुपए तक ठीक है पचास हजार सब है वो क्या बात कर रहे सालों सबने साइन कर दिया फटाफट पट रिवोक 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 ये झगड़े चल रहे और डिस्कशन ही हो रहा है ना दिस इज डिस्कशन गोइंग ऑन चेयरमैन ने साइन कर दिया वो कमर्शियल जो बिल्डिंग है उसमें का एक ऑफिस उसको मिलने वाला है चिटिंग चोरस साले लेकिन सेक्रेटरी ट्रेजर ये क्यों बनते बिन पगारी पकार अधिकारी क्यों बनते ये इसीलिए गेट खराब हो गया गेट नया करना कितना खर्चा आएगा दस हजार दिखाएंगे इतना पचास हज़ार का गेट सो so, <laughs> कोई भी चीज़ छुपाना डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट की जान बूझ के आपने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ डिफेक्ट है अभी जैसे मैंने अपनी टू व्हीलर बेचिया अभी रिसेंटली मैंने बोला गाड़ी का पिकअप नहीं है गाड़ी के 12 साल हो गए हैं गाड़ी का एवरेज 30 है लेकिन 120 किलो का आदमी उठा सकता है दो लोग रो रोज उठा रही है गाड़ी बारह साल से चल रही है गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं इंजन कभी खोला नहीं है इसके आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कौन बात करता है ऐसे चांगली गाड़ी अपनी काई टेंशन नहीं अपनी गाड़ी मस्त है कोई टेंशन नहीं ले लो ले लो तो ये ये डिसऑनेस्ट कंस जान बुझ के मैं कोई चीजें छुपा रहा हूं मेरे गाड़ी के बारे में मेरे प्रॉपर्टी के बारे में मेरे फ्लैट के बारे में एक दोस्त मेरे को बोला हमेशा फोन करते हैं ना हम लोग क्या फुकड़ में एडवाइस देने के लिए बैठे है पैसा तो कोई देता नहीं है अरे थ्री बी के फ्लैट मिल रहा है कोथरूड में नब्बे हजार नब्बे लाख में क्या ओनली नाइन्टी लैक्स थ्री बी एच के कोथरूड में पप्पा ने दिया है तेरे नहीं नहीं ऐसा वैसा मैं गया देखने के लिए सब देख रहा था इम्यूनिटीज देख रहा था आधी चीज़ें तो चल नहीं रही थी आधे से ज़्यादा मीटर नहीं थे मीटर ही नहीं थे जो जो लोग हैं उनको ही मीटर है मैं गया नहीं वो ट्यूबलाइट लगा रहे फैन लगा रहे मैंने बोला ये ये क्या बालकनी है नहीं वो ताला लगा हुआ है वहाँ पे खोलो ताला क्या है उधर नहीं वो ताला चाबी भी पिछले बार भी आया तभी भी ताला नहीं खुला ताला खोल वरना तोड़ दूंगा मैं मैंने बोला मैं तोड़ दूंगा ताला अरे नब्बे नब्बे लाख रुपए देने वाले हैं हम देखना है याद खोला कोथरूड कचरा डेपो का सीन हा कोथरूड कचरा डेपो डायरेक्ट नाइन्थ फ्लोर हाँ हा कबूतर सब दिख रहे कुत्ते और इंसान और बदबू मैंने बोला नब्बे लाख ज़्यादा नहीं हो गए मैं तो फुकड़ भी नहीं लूंगा ये पहले कोरोना स्प्रेड हो रहा है कुछ बारिश में और वो डिजीजे स्प्रेड होते हैं वहां से कैंसर अरे यार अच्छा फ्लैट था वो मैं लेना जाके कोई ताला बालकनी को ताला वो चाबी इसके पास से लेके आ वो ऐसा बात किया ना समझता नहीं उन लोगों को वो ब्रोकर हाँ साहब चाबी लेके आ।, ले आ चाय पानी नहीं चाहिए मेरे को ये साहब कौन है नहीं वो दोस्त है अपना लॉयर आदमी अच्छा लॉयर है क्या वो डर जाते हैं लेके आते लेके आते ले खोला अब कैसे ही चाबी उसी के पास होगी चाबी ब्रोकर के पास बस बाहर जाके नाटक करके आए और कुछ नहीं मैंने बोला वाह 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 वा। कचरा डेपो एंजॉय वो शौक मेरा दोस्त अहिला चीटिंग तो डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट छुपा रहे हो कुछ तो चीज और लोगों को उल्लू बना के उनसे पैसे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेस्ट्रेशन है बाय फॉल्सली प्रिटेंटिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट कि मैं पुलिस वाला हूँ ओके जेड को रिसीव करेगा उससे पैसे हड़प लेगा बहुत सारे लोग वो उसको इसका भी क्राइम लगता है इम्पर्सोनेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ट्रैफिक हवलदार का कौन्स ये, कौन्स ये, क्या बोलते हैं वो कॉस्ट्यूम कौ, पहन के खड़े रहेंगे सिटी मार के गाड़ी बाजू लगाया गाड़ी दाखवा तुमसे डॉक्यूमेंट शो मी योर डॉक्यूमेंट्स अरे वो अपन पूछते नहीं है ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है पुलिस वाला हम मान लेते हैं ये बाबा ट्रैफिक का यूनिफॉर्म पहन के बैठा है तो ये होगा अरे ये ये डॉक्यूमेंट नहीं वो डॉक्यूमेंट निकालो हज़ार रुपये निकालो दो हज़ार रुपये दिन भर का तीस चालीस हजार रुपये कमा लेता है वो वो तो मैं मंथली नहीं कमा रहा वो एक दिन में कमा रहा है पकड़ा गया तो वो पुलिस वालों को भी साहब आज का सब आपका ओके जाओ टाटा बाय बाय ऐसा तेरा चल रहा है क्या आप ना फिफ्टी फिफ्टी करते हैं ना दिस इज चीटिंग ओके उसके बाद चीटिंग बाय परसोनेशन सेक्शन फोर हंड्रेड एंड सिक्सटीन एनी पर्सन इज सेट टू चीट बाय पर्सोनेशन मतलब आई एम टाटा बिरला किसी का नाम किसी की पर्सनैलिटी की मैं हूँ आई एम द द्यूंसिपल कमिश्नर ऑफ पुणे मैं खासदार मैं आमदार मैं एमएलए, मैं एमपी, वो अपना जैकलिन डिसूजा का वो बॉयफ्रेंड वो फोन करता था लोगों को कॉन मैन कि हाँ मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का सेक्रेटरी हूँ मैं आपका फाइनेंस का काम का का करके देता हूँ बोला मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फाइनेंस क्या चल रहा है और लोग पैसे दे रहे केसेस चल रहा है हम केस कैंसिल कर देंगे रद्द कर देंगे और पैसे लेके भाग रहा है और जैकली शादी करना चाहती है और हम उसके पिक्चर देख रहे द पर्सन इज सेट टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ इ चीट सम अदर पर्सन और बाय नोइंगली सब्सिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर कि मैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा पिक्चर में मैं आपको खड़ा करूंगा ये है टाटा ये है म्यूनसिपल का मतलब पकड़ा जाऊंगा तो आप मैं नहीं जाऊंगा पकड़ा यू विल बी कॉट हमारे बीच में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हम सब जो बोल रहे हैं मुँह पे बोल रहे जी आप फिर बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं वो मेन मास्टर है प्रूफ क्या है आपके आप बैठे हो रहे वो झूठ बोल रहा है वो पकड़ा गया अभी वो सबको बोल रहा है ये चोर है वो चोर है क्योंकि चोर पकड़ा जाता है तो बोलता सब चोर है प्रूफ क्या है तेलगी ने भी वही किया पकड़ा गया तेलगी उसने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम लिए उसको हो गया एच कोई बार कोई विश्वास नहीं कर रहा वो सच बोल रहा था वो यू वॉज टेलिंग द ट्रूथ बट हमने आँख बंद कर ली कान बंद कर ली क्योंकि उसको एच आई वी था सो so अगर मैं किसी को कि भाई मैं पुणे म्यूनिसपल कमिश्नर हूँ मैं एसपी और वो लोगों को उल्लू बना रहा है या मैं हाँ मैं कॉरपोरेशन में काम करता हूँ मैं आपका काम करा दूंगा मैं एडवोकेट हूँ मैं आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट करवा दूंगा कितने सारे लोगों ने विल में चेंजेस करवा दिए पता ही नहीं चलता है अभी और एक सोसाइटी का रिडेवलपमेंट का बताता हूँ आपको ड्राफ्ट आया डेवलपमेंट का ड्राफ्ट आया उसमें सब लोगों ने पढ़ा पहला ड्राफ्ट सबको सही लगा अभी हाँ करेक्ट अभी उसको साइन करना है फाइनल करना पड़ता है ड्राफ्ट को तो फाइनल करके वो बोला ये फाइनल करके आ गए कर अब सब साइन करो वो स्टैंप पेपर पे करके आते हैं और अब साइन करो सब लोग हमने फिर से पढ़ा ड्राफ्ट पढ़ा हमने अभी फाइनल किया हुआ डॉक्यूमेंट हमने फिर से पढ़ा उसमें एक चेंज था देर विल बी शॉप्स एट द बॉटम सब ने फिर से साइन कर दी सब बेवकूफ इंसान सब ने साइन कर दी हमने बोला ये शॉप्स का कब डिस्कशन हुआ सब है शॉप्स कब से ऐड हो गए हमने पूछा एडवोकेट से ये डिस्कशन में कहा था हमने क्लियरली बोला दिस इज अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एक भी शॉप ने ये क्या करते शॉप को शॉप खोल के वहाँ पे वड़ा सांभर बेचते पूरा बदबू पूरे बिल्डिंग में जाके पूरी 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 की पूरी बिल्डिंग में वो स्मेल स्प्रेड हो जाता है और पार्किंग में ये लोग होटल वाले किधर भी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं मुझे मालूम है ना ये छोटा सा शॉप होता है उसके अंदर वड़ा सांभर भाजीपोड़ी केंद्र ऐसा कुछ तो चालू कर देंगे खत्म और वो लोग सारे अपने कॉमन इम्यूनिटीज पानी नहीं सब वो इस्तेमाल करेंगे होटल है धोना पड़ता है बर्तन मैंने बोला ये कब ऐड हुआ है वॉक अरे डर गए सब हाँ शॉप्स किसके नाम पे मतलब वो बिल्डर वो शॉप्स करोड़ों में बेचने वाला था दिस इज कोतरूड सब चढ़ गए एडवोकेट पे ये चेंज कैसे हुआ नो आई वाज अप्लाइंग माय लीगल नॉलेज इसमें लीगल नॉलेज का क्या लेने देना है सबके आगे मीटिंग में वो ड्राफ्ट फाड़ दिया हमने फाइनल वाला रिवोक ये एडवोकेट को निकालो ये बिल्डर की तरफ से दिखा रहा है हमें कि ईज फ्रॉम दीप फॉर दी मेम्बर ऑफ द रिडेवलपमेंट चिट कर रहा है वो बिल्डर की तरफ से एक शॉप उसके नाम पर उसका ऑफिस खोलेगा वो एडवोकेट आदित्य केदारी और मैं मैंने था वो तो छोड़ो बता रहा हूँ सो प्रिटेंड करोगे कि मैं पुलिस वाला हूँ मैं एडवोकेट हूँ मैं डॉक्टर हूं ये वैक्सीन के लिए पानी ठोक दिया लोगों की बॉडी में ग्लूकोज ठोक दिया हाँ आप वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीन मिलने के बाद दो दिन आप बीमार रहते हो यू फील बीमार बॉडी पेन करती है आपकी आप जिसने आई होप सभी ने वैक्सीन वैक्सीनेशन कराया होगा तो कपल ऑफ डेज आपकी बॉडी पेन करती है थोड़ा टेम्परेचर आता है आपको नींद आती है आप थक जाते हो है मुझे कुछ नहीं हुआ मैं स्ट्रांग हुआ अब ग्लूकोज थोका तेरे बॉडी में वो वैक्सीन नहीं था मैं स्ट्रांग हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ मैं मेरी बॉडी रेडी है अबे वो पानी था वो ग्लूकोज का पानी था एंड दैट पर्सन हाँ और दो महीने के बाद उसको भी कोरोना हो गया और वैक्सीन लो मत लो कोरोना वैसे भी हो ही रहा था बता रहा हूँ मैं कि कैसे लोगों ने फेक uh, uh, ऐसे सेंटर खड़े किए uh, वैक्सीनेशन हजार रुपये पंद्रह सौ रुपये बाद हम आपको पाँच सौ में दे रहे हैं दिन में दस भी लोग आ गए कितना हो गया झाला ना भाऊ काम मिनिमम बोल रहा हूँ मैं पाँच सौ ऐसी लाइन लगती है किसी को कुछ पता नहीं है किसी को कोई आइडिया नहीं है ओके देन पनिशमेंट क्या है भाई पनिशमेंट इज फॉर चीटिंग एक साल तक की सज़ा हो सकती है फाइन भी लग सकती है या आप फाइन देके भी छूट सकते हो या दोनों भाई आठ महीने के लिए अंदर प्लस एक हाँ में ना आपको हजार पाँच हजार जो भी नुकसान हुआ होगा चीटिंग के वजह से उतना फाइन लगेगा उसके बाद चार सौ अठारह चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में इंशूड टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट इस केस में अगर आप देखोगे हु एवर चीट्स विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू अ पर्सन मुझे मालूम है मैं इसका नुकसान होने वाला है इसका नुकसान होने वाला है

अब मुझे क्या मालूम था कि अगले वाले कंपनी ने इसको खरीद लिया है आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में ये लोग इंफॉर्मेशन लीक करते कॉरपोरेट मूवी देखा होगा आपने विपाशा बासु का उसमें वो क्या करते हैं पेप्सी और कोको कोला अरे कैसे इनका ट्रेड सीक्रेट चोरी करे कैसे इस कंपनी को बर्बाद करें तो कुछ तो रूमर स्प्रेड करने का या उनके कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए लोगों को पैसे देने दैट पर्सन इज बाउंड ही इज अ एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी दैट पर्सन शुड वर्क फॉर माई कंपनी वॉट इज डूइंग इज वर्किंग फॉर द अदर कंपनी मेरे कंपनी मेरे के गई दोनों का खा रहा है चीटिंग ओके ऐसे इंसान को तीन साल की सजा बिकॉज ट्रस्ट है, है यहाँ पे दैट पर्सन इज बाउंड टू प्रोटेक्ट यूर इंटरेस्ट बाय लॉ बाय कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे देर इज अलिमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड देन ऑल्सो ही डज देट दैन दैट पर्सन विल भी लाइबल फॉर थ्री ईयर्स तीन साल तक की सज़ा हो सकती है या फाइन या दोनों फोर नाइनटीन पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाई पर्सोनेशन जैसे मैंने बोला तो अगर आप किसी दूसरे इंसान को पर्सोनेट करते हो किसी दूसरे इंसान की आइडेंटिटी लेते हो तो अगेन आपको तीन साल तक की सज़ा हो सकती है फाइन भी लग सकती है एंड फाइनल सेक्शन चार सौ बीस जो काफ़ी फेमस है मूवीज़ में चार सौ बीस ये जो सेक्शन है फ्रॉड बेसिकली इन शॉर्ट जो पिक्चरों में फ्रॉड बोला जाता है सेक्शन 420 मतलब जो बंदा फ्रॉड करता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे भी करके फ्रॉड कमिट करके मैं वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर या किसी दूसरे के नाम पर करवा देता हूँ हाँ वो अपना भाई है वो अपनी बहन है ये है वो है बाद में पता चलता है कि ये तो गर्लफ्रेंड बॉय फ्रेंड है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कई बार अभी जैसे दोस्ताना मूवी देखा होगा आपने दोस्ताना में अक्षय सॉरी अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम बताते हैं हम गे हैं चीटिंग है वो फ्रॉड है क्यों क्योंकि क्यों उनको वो ये चाहिए होता है रिजर्वेशन या घर चाहिए सस्ते में उनको जल्दी घर मिलते हैं अलॉटमेंट चीटिंग फ्रॉड यू आर डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग सम अदर पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू यू आर टू समन हु इज इंटरेस्टेड आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से तो ऐसे पर्सन को सात साल की सजा है किसी को प्रॉपर्टी डिलीवर करवाना हुएवर चीट्स एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन अल्टर और डिस्ट्रॉय द वैल्यूबल सिक्योरिटी आप इसके अंदर डिस्ट्रॉय भी कर रहे हो और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड केपेबल ऑफ बींग कन्वर्टेड टू वैल्यूबल सिक्योरिटी मतलब आपका कोई एफ डी है आपके शेयर्स हैं म्यूचुअल फंड्स सर्टिफिकेट्स गोल्ड बॉन्ड्स जो मार्केट में बेच के आपको उसमें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहा है या अपने नाम पे करवा रहा है या किसी अपने दोस्त के नाम पे करवा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे करो, नहीं करवा ना गर्लफ्रेंड के नाम पे, बीवी के भी नहीं हंड्रेड परसेंट नहीं <laughs> तो ऐसे इंसान को सात साल तक की सजा हो सकती है और सात साल तो होगी होगी ऑप्शन नहीं है फाइन देके छूट सकते हो यहाँ पे सात साल प्लस फाइन और नहीं है कि भाई फ़ाइन पैसे भर दो और छूट जाओ सो दैट इज़ द लास्ट सेक्शन फॉर चीटिंग अंडर आईपीसी